हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे, आज का जो प्रैंक होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करना यार, बड़ी मेहनत लगती है और आप लोगों से जो सपोर्ट मिल रहा है उससे मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए हम वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बट यार हम हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ सिखा के ही जा रहे हैं। तो गाइस प्लीज पूरा देखना इसको। तो चलो फटाफट से करते हैं प्रैंक की तैयारी। भानु, एक गिलास पानी लाना यार। भानु, हाँ यार, टाइम से नहीं मिला। बिजी था थोड़ा सा, कहाँ गए थे ऐसे तो? कुछ काम से भी गया था दो तीन, और रिश्तेदार भी आए थे आज। क्या काम करके आए हो? कुछ खास नहीं, जलंधर वाली बुआ जी आई थी दोपहर में। बताया तो नहीं तुमने एक बार भी? तुम ऑफिस थी ना आज, बात थी कौन ने तुम्हें कॉल ही नहीं करा। तुम करते ही कब हो? मैं ही करती हूँ। दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या होगा, फोन गिरोगे? अरे कुछ नहीं यार, शादी को इतना टाइम हो गया। ये कह रहे तेरी शादी को इतना टाइम हो गया, तू जिम विम के सप्लीमेंट्स वगैरह खाता है, प्रोटीन वगैरह लेता है, तो तेरे बच्चे नहीं होंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं लोग और तुम बातों में आ जाते हो। नहीं यार, मेरे ख्याल से वो सही कह रहे हैं। अरे फालतू की बातों से ध्यान मत दो। तुम नहीं यार, मुझे लग रहा है। पागल हो गया? फालतू की अरे यार, बात है। क्यों, फिर भी देखो आज। दुनिया 35-35 साल की हो रही है, 36-36 40-40 साल के लोग हो रहे, फिर भी उनके बच्चे नहीं है, हो जाएंगे? नहीं यार देखो, पता है क्या है आजकल का ना, सब हो जाते हैं। रहने दो। आजकल का जो वो है फूड भी, वो भी यार इतना अच्छा नहीं आ रहा। इंजेक्शन वगैरह लग के इतनी चीज को इतना लंबा बना देते हैं, हाँ तो और सब्जियों को भी बना सकते इतना लंबा वो। अरे कहना क्या चाहते हो? दिमाग खराब होता रहता है तो क्या हो गया यार। नहीं मानो, देखो हमारी यार शादी को। अच्छा तुम? तुम बताओ, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? हाँ हो गया। फिर इतना तो टाइम भी नहीं हुआ, बकवास कर रहे हो। अरे यार देखो, सुनो मेरी बात, आगे भी तो टाइम लगता है ना तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। क्या यार। सोसाइटी में सब कहते हैं यार कहते हैं? तू ऐसे कर ले यार, तू जिम करता है फिर तू अच्छी बॉडी भी बना पाएगा। इस चक्कर में मैंने बीच में भी जिम छोड़ दी थी शादी के बाद, पता है ना तुम्हें तो सारा कुछ। लोग बोलेंगे तुम मान लोगे, और तुम कब से मानने लग गए लोगों की? यार कुछ कुछ बातें ना ठीक भी होती हैं। बात तो सही है। अब कल कला को देखो, यार भगवान तुम भगवान ना करे कोई दिक्कत हुई है कल कला को, तुम किसी के फंक्शन वंक्शन में जान लेंगे, सब पता है क्या कहेंगे। ये वही बैठी है वही जिसका हुआ नहीं। अरे कुछ नहीं होता, आजकल सब चल रहा है। एक बात बताओ, तुम दूसरों की बातों में आके ये सब बोल रहे हो, यार तब तो तुमने मना किया था कि अभी हम नहीं है। तब तो यार वो था ना, मुझे पता नहीं था कि यार, फिर वो बहुत जल्दी भी तो था। अब तो काफी टाइम भी हो गया ना। यार मैं नहीं कर पाऊंगी, क्यों अभी मैं कुछ स्टैंड नहीं हूँ। हम स्टैंड हैं, बताओ। स्टैंड क्या यार, सोच तो मैं भी रहा था कि मेहनत कर रहा हूँ करते 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 करते, अब धीरे धीरे हम लोगों को सपोर्ट भी मिलना शुरू हुआ है। बट बच्चे पालना आसान है, एज है ये। अभी यार लेकिन फिर आगे भी तो देखो ना, इस ज्यादा हो जाएगी। है कितनी एज? 24 भी नहीं है। तुम्हारी तो नहीं 24, मेरी तो है। मुझे तो अपने नहीं, बारे में भी सोचना पड़ेगा ना पहले। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैं नहीं कर पाऊंगी। समझो ना यार, यार पहले तो तुमने मना किया था, तुम्हें नहीं देखो पता कि हर चीज देखनी पड़ती हर है। चीज तो देखनी पड़ती है, मैनेज भी कर लेंगे धीरे धीरे। यार देखो जब चीज आज, देखो तुम्हें पता ना, जब चीजें आती है तो उसके साथ सॉल्यूशंस भी आते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आती है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि जब चीज होगी तो उसके बाद तो धीरे 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 फिर सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी ना। यार मैं नहीं कर पाऊंगी। जो क्यों नहीं कर पाओगी? हमने पहले बात कर चुके हैं कि जब तक हम स्टैंड नहीं हो जाते तब तक हम नहीं सोचेंगे, यार तुम जब तक क्या हम मैच्योर नहीं जाते दिमाग से। तुम तुम कह रही हो यार स्टैंड का, मगर मेरे ख्याल से लोग सही बोल रहे हैं यार। लोगों के बातों में कब से आने लग गए यार? पहले तो नहीं आते थे तुम।
यार मुझे बड़ा अजीब लगता है। कोई बोल के चला गया तुमने मान गया, कल को कोई बोल के चला जाएगा ये ऐसे तो तुम मान लोगे इसका मतलब? नहीं यार, बात मानने ना मानने की नहीं है, बात सारी ये है कि यार आगे इश्यूज ना आए बस। यार कुछ नहीं होता, तुम लोगों की बातों में आके वो कर रहे हो। यार बातों में आने वाली बात नहीं, कहते हैं फिर तेरे बस की नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है यार, तुम्हें पता है ना सारी चीजें। क्या सारी चीजें? कि अभी नहीं करना। यार सुन तो लो। क्या सुनूं? मेरे ख्याल से हमें कर लेना चाहिए। मैं नहीं। क्यों यार, दिक्कत क्या है? यार मैं नहीं कर पाऊंगी। छोटी बच्ची हो क्या यार? तुम नहीं कर पाओगी वो मैं समझ तुम्हें रहा। पता नहीं है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर मेरे को ऑफिस भी जाना होता है, फिर मेरे को काम भी करना होता है। यार सिर्फ वही है कि बाहर निकलने में बोल लेंगे लोग। यार शादी को एक साल भी नहीं हुआ, तुम ये फिर शुरू हो गए हो। यार पहले तो मैं ही मना कर रहा था ना। नहीं यार ये भी चलो ना। नहीं चलो यार, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों नहीं यार तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या जब कोई बोलेगा ऐसे? यार तू दुनिया बोलेगी तुम उसके बाद में आ जाओगे, दुनिया बोले कुएं में कूद जा तुम कूद जाओगे। यार परिस्थिति ऐसी होंगी तो कूदना भी पड़ेगा ना। नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से मत बोलो इस बारे में, पहले डिस्कशन हो चुकी है इस पे बहुत ज्यादा। पहले तो मैंने मना कर दिया था यार, पहले तो मैं कुछ समझ रहा था, लेकिन यार देखो यार मैं कैसे, मेरे को नहीं समझ आ रहा ना। हम तरी तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, यार कुछ भी खाना पीना भी सही नहीं है यार आज के टाइम पे। नहीं यार हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। है ही क्या, देखो अभी बड़े बूढ़े भी बैठे हुए हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, सिस्टर है, तो मैनेज हो जाएगा यार। तो मतलब करियर मत देखो, ये सब करके बैठ जाओ घर में। यार बात करियर वाली नहीं है। चलो पहले तो मैं प्रैंक किया था मैंने, प्रैंक किया वो तो मैं प्रैंक ही तो कर रही थी, लेकिन उस दिन प्रैंक था यार, लेकिन अब मुझे लग रहा है अपना कर लेना चाहिए। नहीं यार प्लीज समझो ना, आओ प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। पागल हो क्या? चलो ना। नहीं तो प्रोसेसिंग भी तो जरूरी है ना, देखो अभी प्रोसेसिंग करेंगे तब कहीं जाके फाइनल होगा। नहीं चलो ना यार, उधर चलते हैं। नहीं चलो। नहीं चलो यार, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या नहीं पता? मैं नहीं हूँ रेडी अभी, मैं नहीं हूँ रेडी यार। तुम प्लीज समझो, तुम्हें नहीं पता क्या चीजों का? यार चीजों का तो मुझे पता है, लेकिन देखो सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी फेस भी तो करनी पड़ेगी ना, सोसाइटी से अलग तो भाग नहीं सकते। सोसाइटी के कहने पे तुम ये सब कर लोगे? यार कोई बुरा काम थोड़ा। सोसाइटी कहेगी तू जॉब छोड़ दे, तुम छोड़ दोगे? नहीं यार बात वो नहीं है, देखो यार सोसाइटी की बातों में आओगे ना कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यार बात बताने ना बताने की नहीं है, मानू चीज को समझो। यार कैसे चीज नहीं समझोगी तो कैसे बात बनेगी यार। अच्छा तुम मुझे बताओ, कुछ खाना पीना ढंग का है? खाना पीना तो शुरू से ढंग का नहीं है, और लोग के भी तो हो रहे हैं। क्यों शुरू से खाना पीना कैसे ढंग का नहीं है? लोग पहले क्रिकेट टीम बना दिया करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज साला एक प्लेयर खड़ा नहीं कर पाते। तुम्हें हुआ क्या है? मैं भी चाहता हूँ कि हमारे भी क्रिकेट टीम हो, कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाए यार कम से कम। एक पालना ना बहुत मुश्किल है। अरे कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाए कम से कम फोन करके तो बोल दूं हेलो लो आ जाओ भाई आ जाओ, तो कोई कह देगा ना मैं कहाँ से बंदे बुलाया का, वो साले 11 के 11 लोंडे मेरे हैं। तो सोचो ना, एक सेना खड़ी होगी पूरे पीछे काफिला, हर साल एक बच्चा का लेना फिर। ओह माय गॉड, अरे यार तुम चीजों को मजाक में मत लो यार, मैं सीरियस हूं उस बात। यार मैं भी सीरियस हूं उस चीज को लेके, कि नहीं तो नहीं। प्लीज प्रोसेस स्टार्ट कर लो ना। चलो ना, तुम पागल हो क्या? चलो तो सही। नहीं चलो, तुम पागल हो गए यार। चलो ना भाई, लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। मैं चेंज कर लेती हूँ। चलो कर लो, मैं आ रहा हूँ।
रेडी हो गई, रेडी हो गई। टेस्ट पास रिवील करने टाइम था। प्रैंक कर रहा था मैं तुम्हारे ऊपर। अभी मैं भी रेडी नहीं हूँ यार, मगर हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि ये प्रैंक करना है, प्रैंक करना है, तो मैंने इसलिए तुम्हारे ऊपर ही प्रैंक करा। यार हम इस फैमिली की सुनते हैं, हमें इस फैमिली की भी तो सुननी पड़ेगी ना यार। तुम्हारा डेली डेली का प्रैंक हो गया। अरे तो क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? हाँ तैयार हो गया। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो गाइस बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ये मैंने प्रैंक किया था इसके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैंक में।